Hi all. I hope all of you safe at your home. Now you are in 9th standard. So grammar totally different of up to 8th standard. 8th standard तक आपने जो सीखा वो सब काम आएगा. लेकिन 9th onwards your grammar style are different. Okay? तो आप लोग आज सीखोगे transformation of sentence. We already learned the error of the sentence. How we fill in the blanks, but they are a Roman number 1, 2, 3, 4. You learn there. Today you have to learn transformation of sentence. So be careful. Each and every lesson you will be find out this type of questions, transformation, and this is the paper style of thin board. Now start in 9th standard. You have to learn and try to understand. If anybody will be face any problem, and then you should be contact with me. I will be solve and I will be explain again. I hope in the class you will be explain. I explain and you will be understand. Okay? So take out your notebook and learn and that. Try to understand first, then you have to write. Because always remember, you are a grow up student at present. You are a 9th standard. You are going to give the board after 1 year. आपकी 9th कंप्लीट होने में कुछ महीने बाकी है. उसके बाद ही 10th हो जाएगा. 10th दैट मीन्स योर फर्स्ट स्टेज स्टेयर ऑफ योर लाइफ. आप जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द 9th स्टैंडर्ड. ओके अप टू 8th स्टैंडर्ड इट्स ओके. 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. हम लोग पहले करते थे अप टू 8 डू एज डायरेक्ट. नेगेटिव करो, यस नो लिखो, सिंपल सेंटेंस करो. उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करो, इसको राइट एडिट राइट करो. बट 9th ऑनवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अप टू 8th स्टैंडर्ड. ओके टू स्टार्ट नाउ. आंसर में आपको करना है बिगिन. बिगिन विद दैट वर्ड. बिगिन विद दैट वर्ड. तो आपको क्या करना है? आई वांट दैट वर्ड. हमने वो बच्चे को मांगा बोला आई वांट दैट वर्ड. तो आपको इसको क्या करना है? इसको बैड बॉय दैट बॉय से आपको स्टार्ट करनी है. तो आपने स्टार्ट कर दो. इसमें दैट बॉय इज द प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट है. आई भार एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो दैट बॉय इज वांटेड बाय मी. बिगिन विद दैट बॉय. आई वांट दैट बॉय. बिगिन विद दैट बॉय. तो हम लोग दैट बॉय से स्टार्ट किया. दैट बॉय इज वांटेड बाय मी. तो आई की जगह में क्या बैठ गया? मी. और मी जब भी हुआ तो हमने उसके पहले बाय यूज किया. नंबर टू जब भी आप उसको बिगिन विद लेट
में को हमारा लेख स्टार्टिंग में आएगा तो कौन सा म्यूजिक था? नाइस म्यूजिक था, उत्तर सिटी से आएगा। दैट नाइस म्यूजिक बी लिसन टू, इसमें जो है वो तो है ही है, लेकिन हमने बाकी क्या से स्टार्ट किया? लेट से। Begin with then. तो अभी हमको किससे स्टार्ट करना है? Then the child followed then. तो then से then तो अलग ही दिया हुआ, तो हमको then से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? Then से। Begin with then. तो हम आंसर में क्या लिखे? The child followed them. Child क्या? इसको them को, तो them को हमको they करना है। They के their, they were. Begin with my mother से शुरू करना है, तो आपको क्या करना है? तो my my की जगह में हो गया इसलिए और my, हम लोग एक बार my mother से स्टार्ट करें, इसलिए इधर हमारा by begin हो जाएगा। ओके okay? अभी आप चले जाओ नंबर वन पोसेस। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस पे वन प्रोसेस किया, तो आज हमारे नंबर आएगा टू नंबर। एक्सक्लेमेटिव
तो फुल स्टॉप इज देयर, तो हमको इसको क्या बनाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन बनाना है। एक्सक्लेमेटरी साइन बनाना है तो पूरे सेंटेंस को हमको थोड़ा सा मोटिवेट अप करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो यू हैव टू राइट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लेकिन शुड बी पुट एक्सक्लेमेशन साइन, आपको सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, कभी हाउ और व्हाट से चालू करोगे तब भी हो सकता है। तो बी केयरफुल, यू शुड बी दिस सेंटेंस यू शुड बी पुट वन एक्सक्लेमेशन साइन। जब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो आपकी क्वेश्चन में फुल स्टॉप मस्ट बी देयर, पर क्वेश्चन में जो भी हो एज पर यू हैव टू गिव द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी साइन है, देयर वाज नो साइन ऑफ देन फुल स्टॉप। तो आपका आंसर क्या लिखना है, देयर वाज नो साइन ऑफ देन। आप इसमें मैंने पहले बोल चुके हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन यूज द एक्सक्लेमेटरी साइन मिडिल ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर वन वर्ड, तो यू हैव टू राइट एलास। ठीक है, फिर देयर वाज, आपने इसको एंसर से भी लिख सकते हो, अदरवाइज और लिख सकते हो, आपने अगर चाहती हो तो लास्ट में यू हैव टू पुट टू, तब एलास में आ जाएगा कॉमा। अगर आपने एलास में ये वाला साइन यूज करते हो तो आपको लास्ट में देना है फुल स्टॉप, अदरवाइज यू कैन यूज द कॉमा टू एंड ऑफ द सेंटेंस, यूज कैन
sentence, you can use the exclamatory. आपका एक पास 10 मिनट भी इसमें आ सके इतना ही कितना टाइम लगेगा? रेंज बहुत नहीं है जाना, रेंज बहुत अंदर जाना नहीं है, 15 मिनट हुई है, दूसरा 10 मिनट होगी, चलेगा? Remove two. बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखोगे इसमें लिखा रहता है टी डबल ओ टू, तो ये टू को रिमूव करना है, इसको निकाल देना है फ्रॉम योर सेंटेंस यू डॉट. ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. रिमूव करना है आपको, क्या लिखना है? एक टू जो है इसको निकल देना है, तो आपको क्या लिखना है? तो ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, तो ही वॉज सो ओल्ड. इंस्टेड ऑफ टू वी कैन यूज द सो, इंस्टेड ऑफ टू वी कैन यूज द सो. So on that he could not play with such toys. Affirmative and negative. Affirmative मतलब हाँ बच्चों, affirmative और negative. Affirmative मतलब yes, जो positive वाला है. Affirmative और negative मतलब जो positive नहीं है. हम लोग पहले सीख रहे हैं हाँ बच्चों, अब हिंदी में भी सीखियो हाँ बच्चों और ना बच्चों. तो affirmative का मतलब होता है yes, negative मतलब no. तो we have to do affirmative first, then after negative in the sentence. Okay, so affirmative with them. इसमें नो दिया हुआ, नो मतलब नेगेटिव वाला क्वेश्चन दिया, तो उसको हमको क्या करना है? एफर्मेटिव पे करना है. जो ना वचन है उसको हमको हाँ वचन में करना है. तो नेगेटिव ऑलरेडी गिवन, तो वी हैव टू टर्न इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस. वी हैव टू टर्न इनटू एफर्मेटिव. तो आपको बोला है आपको नहीं जाना है, तो उसका ये क्या होता है? आपको जाना है, तो नेगेटिव से आपको एफर्मेटिव में करना है. ओके, so you have to do.
there was no reply. There was no reply. तो no reply के जगह पे हम उसको पॉजिटिव में करें, क्या करें? There was absence of any reply. उसकी रिप्लाई की कमी आ गई. तो आपने चलो नंबर टू और एक सीख लें. There was no sign of them. There is no sign. तो हम उसमें ऐसे करें एब्सेंस से करें. There was absence of any sign of them. No sign of any sign करें. Absence of any sign of them. उसमें नेगेटिव दिया हुआ था, वी टर्न इनटू अफर्मेटिव एंड दिस सेंटेंस देयर इज अफर्मेटिव ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू टर्न इनटू नेगेटिव. हम लोग अफर्मेटिव में दे चुके हैं तो उसको आपको नेगेटिव करना है. हाँ बच्चों दिया हुआ आपको ना बच्चों करना है. दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव टू नेगेटिव. ऑलरेडी वी हैव टर्न नेगेटिव टू अफर्मेटिव. नाउ एट प्रेजेंट यू हैव टू गो अफर्मेटिव टू नेगेटिव. ओके हरिद है तो ही डिड नॉट हरी होगा. ही डिड नॉट अवॉइड कर दो. ही डिड नॉट अवॉइड. Thank you.
conjunction of sentence, how we turns it into affirmative to negative, negative to affirmative, begin with to, remove to, begin with his or whatever the as per your question. So today you have to learn and write in your notebook. Okay, all the best.